केंद्र सरकार में कांग्रेस और प्रदेश में मायावती की सरकार के दौरान प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग कर लोगों के लिए प्रतिबंधित की गई। श्री कृष्ण जन्म स्थान के केशव वाटिका 24 साल बाद आम लोगों के लिए खोल दी गई है। इससे पहले इस पार्क में श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश पर रोक लगी हुई थी। इसे खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 फरवरी 2018 में की थी, लेकिन कुछ अड़चन आ रही थी। केशव वाटिका जन्माष्टमी के मौके पर प्रकाश से नहाई हुई नजर आई। फिलहाल सुरक्षा के लिए केशव वाटिका के आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि लगभग 3.5 एकड़ में बने इस पार्क को प्रशासन के कब्जे से मुक्ति दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ के गुरु सहित विश्व हिंदू परिषद के दिग्गज नेताओं ने 84 कोस की यात्रा की थी। प्रशासन यह मानता है कि यह जगह श्री कृष्ण जन्म स्थान की है, इसके बावजूद यहां कोई भी श्रद्धालु नहीं जा सकता था। कृष्ण जन्म स्थान के विभिन्न कार्यक्रम भी यहां होते थे। 90 के दशक में विश्व हिंदू परिषद का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी यहीं हुआ था। इस यात्रा को प्रशासन मुक्त करने के लिए 1999 में योगी आदित्यनाथ के स्वर्गीय गुरु जी ने विश्राम घाट पर संकल्प लेकर 84 कोस की यात्रा शुरू की थी। तो अब केशव वाटिका 24 साल बाद आम लोगों के लिए खोल दी गई है। यह कृष्ण भक्तों के लिए अच्छी खबर है। खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।